हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिमोट एकेडमी। अभी तक जितने भी सैटेलाइट लॉन्च होते थे, जितने भी रॉकेट लॉन्च होते थे, वो किसी न किसी साइंटिफिक रिसर्च के लिए लॉन्च होते थे, किसी न किसी खोज के लिए लॉन्च होते थे। लेकिन अब जो लोग यात्रा करना चाहते हैं स्पेस में, उनके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन अब अंतरिक्ष में सैर कराएगी। जो लोग इच्छुक हैं, घूमना चाहते हैं अंतरिक्ष में, वो घूम सकते हैं, जिनका अच्छा खासा किराया देना पड़ सकता है उनको। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पैर रखे थे, जिनके साथ बज एल्ड्रिन भी थे। वो 20 जुलाई 1969 को चांद पे अपना पहला कदम रखे थे, याद रखेंगे। और 20 जुलाई 2021 को ही 20 जुलाई 2021 को पहली बार पर्यटन के लिए अंतरिक्ष की उड़ान होगी, जिसमें सबसे पहले दो लोग होंगे, जेफ बेजोस और उनके भाई मार्क बेजोस। ये सबसे पहले अंतरिक्ष में जाएंगे। उनकी जो स्पेसक्राफ्ट कंपनी है, उस कंपनी का नाम है न्यू शेपर्ड स्पेस टूरिज्म रॉकेट। जो उस कंपनी की रॉकेट है, स्पेसक्राफ्ट है, उसका नाम है न्यू शेपर्ड स्पेस टूरिज्म रॉकेट। इसको NS-14 भी कहा जाता है, NS-14 भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने न्यू शेपर्ड, NS का न्यू शेपर्ड हो गया, और 14 बार परीक्षण किए हैं, जो कि सफल परीक्षण हुआ है। NS-14 के द्वारा लॉन्च होगा ये, और ये उड़ान भरेंगे। ब्लू ओरिजिन जो रॉकेट है, इसमें 15 रॉकेट टेस्ट फ्लाइट और 16 कैप्सूल लैंडिंग के बाद अपनी ऑपरेशनल सर्विस के लिए तैयार हैं। अब ये ऑपरेशन में लिए जा सकते हैं। ये 5 हफ्तों का एक ऑनलाइन ऑप्शन विनिंग विडर के लिए फ्लाइट में एक सीट दी जाएगी। इस लाइन का मतलब ये है, सीट के लिए लगेगी बोली, क्योंकि इस स्पेसक्राफ्ट में सिर्फ 6 सीट हैं, और 6 सीट में बोली लगेगी। जो जितना पैसा दे सकता है उसको दिया जाएगा बोली लगाने के बाद ही। अभी एक बोली लगाने पे $28 मिलियन में एक सीट बिकी है, ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। पैसेंजर को ले जाने वाले कैप्सूल में 6 ऑब्जर्वेशन विंडो होगा और 6 सीट होंगी। 6 ऑब्जर्वेशन विंडो होगा, जो कि काफी वाइड एंगल होगा, यहाँ से काफी अच्छा दिखेगा स्पेस। वैसे टिकट का मूल्य कोई निर्धारित नहीं किया गया है कि कितना टिकट का किराया होगा। अभी तक तो बोली लगा करके हो रहा है, लेकिन अमूमन 2018 में राइटर्स ने कहा था कि $2 लाख से कम नहीं होगा, ज्यादा हो सकता है, तो इतना लगभग भुगतान करना पड़ सकता है। फिर भी इस बार जो बोली लगी है $28 मिलियन, जो कि बहुत ही ज्यादा है। स्पेस कंपनी के ब्लू ओरिजिन पहली बार किसी महिला को चांद पर भी लेकर जाएगी। यह भी इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात है कि चांद पर भी यही कंपनी ले जाएगी किसी महिला को। अभी तक महिला नहीं गई थी चांद पर, पुरुष ही गए थे, बज एल्ड्रिन के साथ में नील आर्मस्ट्रांग गए हुए थे। अब कोई महिला भी जाएगी, जो कि ब्लू ओरिजिन के द्वारा जाएगी। और बता दें कि ये USA बेस्ड कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो कि प्राइवेट कंपनी है अमेज़न की। इसमें जो इंजन यूज होगा, स्पेसक्राफ्ट में इंजन यूज होगा ब्लू ओरिजिन की NS-47 में, NS-14 में जो इंजन यूज होगा, उस इंजन का नाम दिया गया है BE-7। BE-7 इंजन होगी। ब्लू ओरिजिन के बारे में जानते हैं, ब्लू ओरिजिन की स्थापना हुई कब थी। ब्लू ओरिजिन की स्थापना हुई थी 8 सितंबर सन 2000 को। ब्लू ओरिजिन की स्थापना हुई थी कैंट वाशिंगटन में, हेडक्वार्टर्स है, और बॉब स्मिथ इस समय के CEO हैं ब्लू ओरिजिन के। ब्लू ओरिजिन स्पेस कंपनी के CEO बॉब स्मिथ कैंट वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स, जो कि USA में है, जेफ बेजोस फाउंडर हैं या ओनर हैं। 8 सितंबर 2000 को इसकी वो हुई थी, स्थापना हुई थी। ऐसे ही अपने इंडिया के कुछ है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हैं, जैसे कि PSLV और GSLV। दोनों होती क्या है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका इमेज आप लोग देख सकते हैं। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल में इसरो मैन्युफैक्चरर है, और ये इसरो के लिए ही वर्क करता है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, बस हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट मिशन थे जो कि PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किए गए थे। PSLV C-11 से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जो कि 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था।
22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था, जो कि PSLV C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। ऐसे ही PSLV C25 से मंगलयान मिशन लॉन्च किया गया था। मंगलयान मिशन 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। यह भी सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। दोनों एक ही जगह से लॉन्च किए गए थे, याद रखेंगे आप लोग। इसके अलावा PSLV C37, ये नाम याद रखना इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि PSLV C37 जो है एक रिकॉर्ड बनाया था 104 सैटेलाइट का। 104 सैटेलाइट एक साथ ले गया था ये PSLV C37 रॉकेट, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद PSLV C51 क्या है, PSLV C51 जो है ये भी एक रिकॉर्ड बनाया था, जो कि अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ले गया था। अमेजोनिया 1 सैटेलाइट ब्राजील से ले गया था, ये ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कॉमर्शियल पर्पस के लिए था। विदेश के सैटेलाइट को ये PSLV C51 ले गया था, जो कि ब्राजील का था, नाम था अमेजोनिया 1। ऐसे ही GSLV होता है जिसका नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियोसिंक्रोनस और पोलर सिंक्रोनस में फर्क है। जियोसिंक्रोनस जो होता है वो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक सैटेलाइट को ले जा करके उसमें ऑर्बिटल में स्टेब्लिश करता है, जो कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं। और ये अर्थ के साथ ही घूमते हैं और उनका रिलेटिव मोशन भी अर्थ के सापेक्ष होता है। कुछ GSLV ऐसे भी हैं जिनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मिशन हैं जो हमारे GSLV के द्वारा किए गए हैं, जैसे कि चंद्रयान 2 मिशन GSLV MK3 के द्वारा किया गया है। MK3 को मार्क 3 भी बोल सकते हैं। GSLV MK3 के द्वारा चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था। रॉकेट कौन सी थी, GSLV MK3। और GSLV MK3 को बाहुबली नाम भी दिया गया, बाहुबली, ये ध्यान रखेंगे। जो चंद्रयान 2 था इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक लैंडर था, एक रोवर था। तो लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान। लैंडर का नाम था विक्रम और रोवर का नाम था प्रज्ञान, ये ध्यान रखेंगे। कुछ ऐसी ही फ्यूचर प्लान्ड हैं जो GSLV MK3 के द्वारा लॉन्चिंग की जाएगी, जैसे कि गगनयान 1 मिशन 2021 में लॉन्च होगी GSLV MK3 के द्वारा। चंद्रयान 3 2022 में लॉन्च होगी GSLV MK3 के द्वारा। गगनयान 2 2022 और गगनयान 3 2023, ऐसे ही शुक्रयान 1 2024 में, मंगलयान 2 2023 में। इतने सारे प्रपोज प्लान्स हैं जो कि लॉन्च किए जाएंगे GSLV MK3 सैटेलाइट का, सॉरी रॉकेट का यूज करके। आज इतना ही। अगर इंफॉर्मेशन आप लोगों को ठीक लगा हो तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। जिनको भी जरूरत है, आपको लगता है कि इनको जानकारी होनी चाहिए, आप लोग उनको शेयर करें। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब किए करें। थैंक्स।